उनसे प्रश्न पूछा गया कि हमारे नाम से 10 आईडी है, हमारे नाम से 12 आईडी है, हमारे नाम से 100 आईडी है, तो हम कैसे उसको हम अपना एक जगह हम पेमेंट ले सकते हैं? हम 100 आईडी तो लॉगिन नहीं कर सकते हैं, हमारी पत्नी के नाम से, हमारे बच्चों के नाम से, हमारे फैमिली मेंबर के नाम से है। तो ऐसा ने बहुत पहले कहा था कि हम आने वाले टाइम में आपको एक एक्सेस देंगे आपके ओईएस में, जहां पर आप अपने सारे घर के आईडी को एक मास्टर आईडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। सारा पैसा आप एक मास्टर आईडी से आप निकाल सकते हैं, सारे आईडियों को, अपने घर के आईडियों को एक मास्टर आईडी से आप ऑपरेट कर सकते हैं। वो बहुत पहले सर ने बता दिया, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। अब जब सबके नाम से इंडिविजुअल जब आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, कम क्रेडिट कार्ड, दोस्तों ये चीज ध्यान रखिएगा, दुनिया में हम पहली बार ऐसी कंपनी है जो डेबिट कम क्रेडिट कार्ड दोनों लेकर के एक साथ लेकर के एक कार्ड में ये सुविधा देने जा रहे हैं, जो क्रेडिट कार्ड का भी काम करेगा, डेबिट कार्ड का भी काम करेगा। और दुनिया के किसी भी एटीएम में आप जाकर के पैसे निकाल सकते हैं। ऐसा ने बताया था डेमो जिस दिन वो बता रहे थे हम लोगों को कार्ड के बारे में, लेकिन काफी टाइम हो गया तो लोग भूल जाते हैं उस बात को। आप कार्ड लेकर के पूरी दुनिया में यात्रा कीजिए, आपको कोई भी बैगेज लेने की जरूरत नहीं है। आप एक फुल पैंट शर्ट या जो भी आप कपड़े पहने हैं, आप अपना पासपोर्ट लीजिए, ऑन पेसिव का डेबिट कार्ड लीजिए और पूरी दुनिया के यात्रा कीजिए। अभी तो हमारे हेमंत भाई ने बताया 66 या 67 कंट्री ऐसे हैं पूरी दुनिया के जहां पर विदाउट वीजा हम लोग अब जा सकते हैं, वहां जाकर के आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं, यानी पहले से वीजा लेने की जरूरत भी नहीं है, अचानक आप कहीं भी जा सकते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर मिलने वाला है जो ऑन पेसिव के जो संस्थापक सदस्य हैं, जहां भी हम लोग जाएंगे, क्यों, एस सर ने हम सबके वैल्यू को बढ़ा दिया है। इसीलिए हम रोज आकर के यहां बोलते हैं कि हनुमान जी आप जागिए, बजरंग बली अपने ताकत को पहचानिए, आप समुद्र को लांग सकते हैं, सूर्य को ग्रास कर सकते हैं, आप में इतनी क्षमता, इतनी इतनी ताकत है। फिर भी लोग बोलते हैं सर 5,000 मिल जाएगा क्या, 10,000 मिल जाएगा क्या, तो मुझे उन पर हंसी नहीं आती है, मैं इतना ही समझता हूं कि शायद हम समझा पाने में सक्षम नहीं हुए। तो ऐसे लोग जो अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, उनका भगवान ही मालिक है। हो सकता है 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना लेट हो, कोई बात नहीं है, लेकिन उसकी बाद की जो जीवन हम सबकी होने वाली है दोस्तों, उस पर सोच के देखिए, मनन कीजिए कि वो जीवन हम सबकी कैसी होने वाली है, जहां पर रोटी कपड़ा और मकान के जद्दोजहद से हम लोग बाहर आने वाले हैं। हम लोग क्वाड्रेंट जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बनाया था, इंप्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉई, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर, हम इस चारों क्वाड्रेंट के एथिक्स को तोड़ के बाहर निकलने वाले हैं। ये लागू नहीं होगा हम सब पर, सोचिए कैसा जीवन हम सबका होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, 1 महीना बाद होगा तो क्या प्रॉब्लम है, कोई पहाड़ तो नहीं गिर जाएगा। ठीक है, हम सब प्रॉब्लम में, हम मानते हैं कि हम लोग सब कर्ज में है, मैं भी बहुत बड़े कर्ज में डूबा हुआ हूं, सब लोग डूबे हुए हैं, और जितने भी लोग हारे थके हुए इंसान हैं धरती के, वो सब ऑन पेसिव में है। जितने भी लोग मायूस हो गए थे, अपने जीवन से हार मान चुके थे, सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, आत्महत्या करने जा रहे थे, ऐसे तमाम लोग, हारे थके हुए लोग ऑन पेसिव में है। यही एक आखिरी रास्ता है, एक आखिरी आशा है, होप है। तो बिल्कुल मैं विश्वास दिला सकता हूं आपको कि ऑन पैसिव में जिस विश्वास से हम लोग आए हैं, वो 100% यहां पर होने वाला है। जिस तरह सूर्य का उगना अटल सत्य है दोस्तों, ऑन पैसिव को भी धरती पर आना अटल सत्य है, उतना ही अटल सत्य है हम सबकी आर्थिक आजादी को मिलना। इसको कोई ताकत नहीं रोक सकता है सिवाय ईश्वर के, चूंकि उससे बड़ा कोई नहीं है, अल्लाह वाहेगुरु, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में, तो उसके सिवा ऑन पैसिव को कोई रोक नहीं सकता है। ऐसर ने बहुत बार इस बात को दोहराया है कि वही एक ताकत है, रूहानी ताकत, जो कुछ कर सकती है बजाबते, यहां पे धरती पर किसी की क्षमता नहीं है कि जो ऑन पैसिव को आने से रोक दे। आप तमाम देख रहे हैं, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, एमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी भी बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां हैं जो डेली का करीब लाखों करोड़ों डॉलर इनकम करती है,
वो लोग फूल माला लेके नहीं खड़े हैं, उनपे सिर्फ आओ आपका स्वागत हम कर रहे हैं। पता नहीं कितने कितने वार ऑन पेसिव पर हो रहे हैं 47 से एक 56 से, लेकिन सारे वार को बर्दाश्त कर रहे हमारे ग्रेट सीओ एसपुफारा सर, सारे जहर को वो पी रहे हैं, वो हम सबको बताते नहीं है। कई बार वो तो कह चुके हैं कि मैं नर्क से आ रहा हूं नर्क में जा रहा हूं, नर्क से आ रहा हूं नर्क में जा रहा हूं, क्या है ये स्टेटमेंट, भूल जाते हैं हम लोग। वो वार हो रहा था उन पर, लेकिन उस सब से वो निकल करके आज वो पूरी दुनिया के सामने चमक रहे हैं दोस्तों। वो अमृत हम सबको सिर्फ देने वाले हैं, जहर वो स्वयं पी रहे हैं, यानी कंपनी के लाभांश में हम सब हिस्सेदार हैं, कंपनी के घाटे में हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। कहां है ऐसा कंपनी, कहां ऐसी अपॉर्चुनिटी है बताइए ना, जहां पर कोई भी कोविड आने दीजिए, कोई भी दंगा होने दीजिए, कोई भी फसाद होने दीजिए, ना कोई देश ना कोई भेष ना कोई भाषा ना कोई धर्म ना संप्रदाय, किसी तरह का प्रभाव ऑन पेसी पर नहीं पड़ने वाला है। ऐसर ने कहा वी आर ऑल रीसेट द प्लेनेट, हम प्लेनेट को रीसेट करने वाले हैं, जहां पर एक राम राज रूपी स्थापना वो करने जा रहे हैं। एक ही घाट पर बाघ और बकरी भी पानी पिएगा। वो जड़ को पकड़े हैं कि आखिर इतना आतंकवाद, इतना भूख, इतना गरीबी, इतना कत्लेआम, इतना करप्शन, आखिर कहां है उसका जड़, उसको उन्होंने खोजा है सबने, जिसका जड़ निकला कि दुनिया के 75% धन पर कुछ 10-5% लोगों ने कब्जा जमा के बैठा हुआ है, जिसके कारण आज इतनी बड़ी अराजकता फैली हुई है पूरे संसार में, करप्शन फैला हुआ है। 75% जो दुनिया की जनसंख्या है उसके पास में दुनिया का 5% धन है। अब सोचिए कितना बड़ा असमानता की स्थिति है, 95% धन पर कुछ 5% लोगों ने कब्जा जमा के 10% लोगों ने बैठा हुआ है। उसी चीज को वो तोड़ने जा रहे हैं और वो सारे पैसे को सब में बांटने वाले हैं। तो पूरा देश, पूरा विश्व जब खुशहाल होगा, रोटी कपड़ा मकान के जद्दोजहद से बाहर होगा, तो ना कोई करप्शन होगा, ना कोई यहां पर आतंकवाद होगा, ना कोई भूखे सो पाएगा, ना गरीबी रहेगी। वो सारी चीज मिटा करके रखने वाले हैं, इतना बड़ा वो कार्य कर रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि इतना डिले क्यों हो रहा है, जल्दी हम सबके बैलेट में पैसे क्यों नहीं आ रहे हैं, दे काहे नहीं देता है 10-5 हजार भाड़ में जाए कंपनी, जल्दी दो यार, जल्दी करो, क्या कर रहा है, 5 साल हो गया, 4 साल हो गया। अरे भाई इतना बड़ा चीज निर्माण हो रहा है तो उसमें समय तो लगेगा ना, वक्त लगेगा। 200 कंट्री में 200 बैंक के साथ टाई अप करना कोई खेल मजाक है क्या? आप एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाने जाइए ना ब्लॉक में, आपको समझ में आ जाएगा। एक महीना दौड़ते दौड़ते समय निकल जाएगा, तेल निकल जाएगा आपको। और 200 कंट्री में 200 बैंक के साथ में कोई खेल मजाक है क्या? फिर भी लोग बोलते हैं नहीं नहीं बहुत डिले हो गया, अब नहीं आएगा, अब इसको पता नहीं है, अब कब आएगा, क्या होगा। अरे भाई आप समझो, दुनिया के दो बड़े कंपनी जो पेमेंट मर्चेंट थे वो भाग गए,